अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ छोटी बेबीज़ के जो है वो फ्रॉक और शर्ट्स के आइडियाज़ शेयर करूंगी। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मैंने कपड़ा नहीं लिया था, ये मेरे सूट में से जो है वो बच गया था, तो मैंने इस तरह इसको जो है वो बना लिया है। आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। मैं आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी कि अगर आपके कपड़ों में से जो कट पीस बच जाते हैं वो उनको आप किस तरह से डिज़ाइन करके छोटी बेबीज़ के लिए बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ये बनाए हैं। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक है। आप इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नेट का कपड़ा है इसका। यहाँ पे जो ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये कपड़े का फुल एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा था, उसके साइड से ये कटिंग इस तरह से आई थी और यहाँ से सिंपल था, तो उसको मैंने इस तरह से फ्रॉक में घेर दे दिए और इसको मैंने नीचे से बॉर्डर बना लिया इस तरह से। यहाँ आगे जो है, यहाँ पे मैंने ये नेट का कपड़ा लगाया है, ये एम्ब्रॉयडरी वाला, और नीचे मैंने इस तरह से ये कपड़ा लगाया है बनारस का। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने जो ये अंदर शमीज़ डाली है वो भी बनारस की है, और यहाँ घेर पे नीचे जो है वो मैंने, यहाँ पे जो है सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी थी तो मैंने सिल्वर कलर की इस तरह की पाइपिंग लगाई है इस पर। इसका गला मैंने गोल रखा है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एम्ब्रॉयडरी थी तो मैंने इसको सिंपली रखा है। स्लीव्स पे भी मैंने इस तरह से ये पाइपिंग लगाई है। बैक से मैंने इसका गला इस तरह से बनाया। मैंने बुकरम पे ये गला जो है वो कट किया था इस तरह से, और यहाँ पे मैंने नीचे ये कपड़ा लगाया और यहाँ पे इस तरह से टिच बटन लगाया है। ये बच्चों के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल गला होता है और दिखने में भी बिल्कुल साफ़ सुथरा, बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। यहाँ पे जो है मैंने नेट का कपड़ा नहीं डाला, यहाँ पे पीछे भी घेर में मैंने नेट का ही कपड़ा डाला इस तरह से। बैक और फ्रंट इसकी सेम ही है। ये देखिए इस तरह से इसके मैंने दो ट्राउज़र बनाए हैं, एक ये है इस तरह से झालर वाला और एक ये। ये भी मैंने बच्चे हुए पीसेस से ही बनाया है इस तरह से। यहाँ पे मैं अगर चाहती तो जो मैंने सिल्वर कलर की डोरी पेपिंग वहाँ यूज़ की वो भी मैं लगा सकती थी यहाँ पे जोड़ को छुपाने के लिए। आपका अगर इस तरह से कोई पीस हो तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, यहाँ पे पाइपिंग दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। नहीं तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें आप, ये भी बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। ये देखिए ये इस तरह से है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है ये मैंने पट्टी लगाई है, एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी थी तो मैंने यहाँ पे वो लगा दी है, और यहाँ पे मैंने जो है इस तरह का थोड़ा काम है तो मैंने ये पट्टी यहाँ पे लगा दी है, और यहाँ पे ये मैंने देखिए सिक्कों की तरह ये होते हैं मोती के साथ मैंने ये लगा दी है इस तरह से। बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इसकी, सिंपल लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। इसका पीछे से गला मैंने उसी तरह से बुकरम काट के फिर मैंने ये गला इस तरह से लगाया है, और यहाँ पे मैंने टिच बटन लगाया इस तरह से इसकी लुक आ रही है। इसके दामन को जो है वो मैंने सिंपली रखा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं। ये इसका ट्राउज़र है, ये इसका ट्राउज़र मैंने सिंपल रखा है। ये एक और है, ये लॉन का पीस है, देखें इसको इस तरह से मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने पिंक कलर के बटन्स बना के लगाए हैं, और यहाँ पे जो है वो मैंने पट्टियाँ लगाई हैं यहाँ पे मैच करके, यहाँ तक इसका बॉर्डर था तो मैंने यहाँ तक पट्टी लगाई है इस तरह से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। इसका गला भी मैंने पीछे से उसी तरह ही किया है। इस तरह के गले बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और बहुत ही प्यारी लुक आती है इनकी इस तरह से। ये तो ये भी एक और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये अलग अलग पीस थे, ये भी मेरे किसी शर्ट का था इस तरह से बॉर्डर, तो मैंने वो संभाल के रखा था वहाँ, उसको मैंने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया है, और साइड में से इस तरह से मैंने इस पर जो है ये चुनर डाले दोनों साइड से, और बीच में मैंने यहाँ पे
एक एक मोती लगा दिए। बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इसकी, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरह से। इसका गला यहाँ से मैंने गोल रखा है, इसके स्लीव्स को मैंने सिंपल रखा है। यहाँ पे जो इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक से चुनर डाले हैं, इस तरह से इसकी लुक आ रही है, आप देख रहे हैं। इसका गला भी पीछे से इसी तरह से है। तो यहाँ साइड से मैं जो है वो तरफाई करती हूँ, ये देखें बहुत ही सफाई से नज़र आ रहा है ये गला। पीछे भी मैंने हल्के से चुनर डाले, ये देखें इस तरह से। ये एक और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, आप इसका फुल जो है स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। वाइट और पर्पल ये शर्ट में से बचा था और ये जो है वो ट्राउज़र के कपड़े में से बचा था, तो मैंने दोनों को मिक्स करके इस तरह से एयरलाइन फ्रॉक बना ली है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये देखें ये सेम ही जो है एक शर्ट के कपड़े की जो है मैंने यहाँ पर इस तरह से पट्टी लगाई है और उसके दोनों साइड्स पर इस तरह से ये वाइट कलर की जो लेस थी वो डाली है और ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। गले को मैंने गोल ही रखा है। यहाँ पे स्लीव्स पे जो है वो मैंने इसी पर्पल कलर की जो है पट्टी लगाई इस तरह से ऊपर। नीचे दामन पे ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली दी गई थी पट्टी, तो मैंने वो यहाँ पे लगा दी है इस तरह से। पीछे से भी इसका गला इसी तरह से मैंने बनाया है और इसके दामन पे मैंने ये पट्टी लगाई है। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही प्यारे डिसेंट से डिज़ाइन है, बच्चियों के लिए गर्मियों के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये। आप बना सकती हैं खुद भी घर में, अगर किसी को देने के लिए भी आपको चाहिए तो इस तरह के आप बना के दे सकती हैं। बहुत ही प्यारे डिज़ाइन से ये। ये देखिए ये एक और शर्ट है, इसको मैंने कुर्ती की तरह बनाया है। ये देखिए ये एक ये अलग पीस है और ये अलग पीस थे, तो इनको यहाँ पर भी मैंने इनको इस तरह से जोड़ा है। इनको मैंने यहाँ बीच में से इस तरह से जोड़ करके और यहाँ की साइड पे जो है मैंने इस तरह से कोकर लगा दिए दोनों साइड पे। ये देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नीचे तक बिल्कुल इस तरह से कोकर डालिए और यहाँ पे गोल गला करके यहाँ पे मैंने ये एक लटकन लगा दिया है। देखिए इस तरह से इसकी लुक है। पीछे से सेम वही गला, स्लीव्स को भी मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है ये भी। आप इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकती हैं इस तरह से। ये एक और पीस था मेरे पास, ब्लैक कलर का है। ये देखिए ये पेच जो है ये अलग से था, तो मैंने बहुत चौड़ा था ये, तो मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे लगाया। ये देखें इसको मैंने जो है वो शर्ट बनाया। ये देखें एक सिलाई लगाई है दामन पे और कुछ भी नहीं किया, पीछे से वही सेम गला है। स्लीव्स भी मैंने इसकी सिंपली रखी हैं, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका, छोटी बच्चियों के हिसाब से बहुत ही प्यारे हैं ये। ये एक और है, आप इसका भी कंप्लीट जो है स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये भी जो है अलग अलग पीस थे, इनको जोड़ के मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। ये देखिए ऊपर वाला ऐसा, ये गले को मैंने गोल रखा है, स्लीव्स को सिंपल रखा है। यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से इसके चुनर डाल के यहाँ पे लगाए हैं मैंने, यहाँ से लेके यहाँ सिर्फ आगे लगाए, पीछे नहीं लगाए मैंने। ये एक पट्टी लगा दी है चुनटों वाली। यहाँ पे जो है ये मैंने एक पॉकेट डाल दी है इस तरह से और इसके साइड पे जो है मैंने ये इस तरह से चुनर डाल के लगाए हैं। इसका भी आप कंप्लीट इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। पीछे से सेम वैसे ही मैंने इसका गला बनाया है। ये एक और बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं कंप्लीट। देखिए इसके गले को मैंने ऊपर से इस तरह से पट्टी लगाई है बुकरम में डाल के और यहाँ पे मैंने जो है वो छोटे छोटे मोती लगाए हैं इस पर। बहुत ही प्यारा फ्रॉक लग रहा है ये भी। बीच वाला जो है वो मैंने सीधा रखा है इस तरह से और यहाँ पे जो मैंने डाली हैं ये मैंने कलियाँ, जैसे जिस तरह से हम कलियाँ काट के डालते हैं उसी तरह से मैंने यहाँ पे डाली हैं। ये नीचे से मैंने पट्टी लगा दी है, ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आ रही है।
मेरे आपको मेरे ये सब आइडिया सब डिज़ाइंस बहुत पसंद आए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।